हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको मेरी जो है ड्राइंग नोटबुक दिखाने वाली हूँ, यानी कि स्केचिंग नोटबुक। तो यहाँ पे ये है मेरी फर्स्ट पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, और इसके अंदर मैंने मार्कर्स का भी जो है यूज किया था। उसके बाद गाइस, जो सेकेंड जो है यहाँ पे मैंने टाई टिंट टोन और शेड का जो है यूज़ किया था। कैसे आप बना सकते हो रेड कलर में, अलग अलग कलर्स में बना सकते हो, तो मैंने ये जो बताया है। आप जाके अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो ये है एक ऐसी लाइक इंडिविजुअल पेंटिंग सेल्फ लव की, और यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ लव, आई एम गोइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ, आई डजंट मैटर। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है बाकी है, तो वो इग्नोर करो। उसके बाद गाइस, मैंने ये मेरी फर्स्ट अर्बन पेंटिंग स्केचिंग जो है बनाई थी पेन का यूज़ करके, और इतना अच्छा नहीं बना। ये मैंने डिज़ाइन पैलेट का जो है यूज़ करके किया था, मतलब उनका देख के बहुत ईजी था, बट अच्छा था, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। उसके बाद ये नेक्स्ट पेंटिंग जो है मेरी बिल्डिंग्स की है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, एंड दिस इज लाइक फुल ऑफ बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने स्काई भी जो है बनाया है, थोड़ी डिटेलिंग बाकी है बट चल जाता है। उसके बाद गाइस, मैंने जो है ये कंपैरिजन पेंटिंग बनाई थी, जिसमें मैंने जो है राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश का यूज़ करके किया था, और मैंने इसके अंदर केक्स के जो पैलेट आते हैं वो यूज़ किए थे इसके अंदर। तो मुझे बताना दोनों में से कौन सा अच्छा दिख रहा है, जो राउंड ब्रश वाला या फिर जो फ्लैट ब्रश वाला है वो। तो यस, और गाइस, ये केक्स पैलेट का यूज़ करके जो है मैंने किया था, इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था।